आई एम रेडी। मैं हूँ प्रिया एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का मिसेस प्रिया सरकार ब्लॉग में। तो आज है लक्ष्मी पूजो, बोले से लक्ष्मी पूजा हमारे यहाँ बंगाली में। तो मैंने इसके पहले कभी किया नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है या फिर याद रहता है भूल जाती हूँ, ऐसा होता था हमेशा। तो इस बार हम फास्ट भी करेंगे एंड पूजा भी करेंगे एंड जितने मतलब जो नियम है मतलब फॉलो कर सके कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मूर्ति लगती है, तो अभी के टाइम पे यहाँ मूर्ति नहीं मिलने वाली है एंड इसके लिए हमें पहले से रायगढ़ जाना था, ऑर्डर देना था तब बनता, लेकिन बना ही नहीं। दुर्गा पूजा के बाद जाते हैं तो कुछ ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं। रेडी हो गई है, शारवार ले लिया उसने। तो अभी मैं खाने में पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ बता नहीं रहे मेरे को। तो ये तो पीनट बटर खा लेंगे अभी ब्रेड के साथ, तो इसका टेंशन खत्म। अभी वो फास्ट रखते हैं मेरे साथ या फिर वो खाएंगे नहीं पता मेरे को, क्योंकि पूछ देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो अभी चावल से हमको अल्पना देना है फूल वाला डिजाइन। तो चलिए चावल शोक हुआ है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं रात को ना बिग बॉस देखते देखते ही मैं सो गई। आई थिंक 10 बजे तक मैं सो गई, तो रात को कुछ नहीं किया था मैंने, बर्तन तक पड़े थे सब अभी उठ के किया है मैंने। ये देखिए ये प्रसाद के लिए है हमारे, इसमें आलू चावल का प्रसाद बनाते हैं ना, तो ये प्रसाद के लिए भिगो के रखा है। ये अल्पना देने के लिए आई थिंक सोख तो हो गया होगा, टाइम है अभी। पानी थोड़ा गर्म कर देते ना तो जल्दी हो जाएगा। लगेगा छोटा सा चारा तो वही लेने का है प्रतिदिन। केला लगेगा, केले का पौधा लगेगा, धान का मतलब धान लगेगा, धान जिसमें पौधा मतलब पौधे से ही धान लगेगा वो। तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर फूल और धूप तोड़ कर ले आई हूँ मैं, बाकी सब अरेंजमेंट पतिदेव कर। तो ये देखिए पूजा की सामग्री, ये रहा हल्दी का पेड़, ये रहा धान का पौधा एंड ये केले का एंड ये लगती है केले के, इसमें मतलब 3 कटोरी जैसे बनाना रहेगा वो सब आप देख ही लो। प्रसाद भी आ गया है। सूखेगा तो देखिए, पहले यहाँ पे माँ लक्ष्मी को बिठाना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो ये देखिए धान तो है नहीं, इसमें चावल भर दिया, इसमें एक लकड़ी को करके फिर ये नहीं साड़ी लगती है लाल कलर की, बट मेरे पास यही है अभी, तो बस इसको ऐसे साड़ी बना देंगे मतलब पहना देंगे माँ को समझ के। पता नहीं था कि 12 बजे के पहले मतलब अब इमेजिन करके माता रानी को एक साड़ी वाड़ी पहना था। मैंने बोला था दीदी से अभी बात हुआ था हड़बड़ी में, मतलब आधा घंटा में सब कुछ जुगाड़ करके, वहाँ पे मैंने अल्पना भी नहीं दिया था चावल की, जो रंगोली बनाते हुए तो हड़बड़ी में जैसे तैसे करके जस्ट पूजा को निपटाई। अब यहाँ पे बनाते हैं आराम से अल्पना। चावल के आटे को पानी में घोल के जो ऐसे बनाते हैं इसको हम लोग अल्पना बोलते हैं, तो इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था इसीलिए फिर हम लोग तीनों लग गए। मेरे मसूड़े वाला दाग बड़ा वाला टूट गया, कोई कीड़ा लगा हुआ। सब टेबल जाएंगे 10 तो फिर अच्छा अच्छा दाग मिलेगा, अच्छा है कीड़ा बिना। मेरा हल्का हल्का हिल रहा था, जोर से करी एक टाइम पानी गिर गया, फिर जोर से करी फिर आधा निकल गया, फिर जोर से घींची नहीं निकला, इतना जोर से घींचा मैंने इतना दुखा नहीं जाना थी। मम्मी वहाँ पे लगा रही थी और मैं छुपके छुपके निकाल दी, अच्छे से खोली थी।
करने में बहुत टाइम लगता है। देखिए ये तो इसको जस्ट बनाई, सूखा नहीं। मुझे बनाते बनाते ये पौने दो हो गया ना, मैं बना रही हूँ। इधर मेरी बेटी दांत तोड़ ली है, तो बहुत सिंपल बनाया मैंने, ज़्यादा तामझाम नहीं किया। ये पैर अच्छे बने, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसीलिए अंदर ऐसे शॉर्टकट वाले बना लिए। लेकिन अभी सोच रही हूँ कैसे बना दे, वो बन जाता है ना, बट कोई बात नहीं। देखिए बस ऐसे करके पूरा, मतलब जहाँ तक भगवान जी रखते हैं ना, वहां तक लेके जाना रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पूजा करूंगी अभी। तो इन्होंने भी मेरे साथ फास्ट रखा था, लेकिन इनको भूख लग गई, तो फिर साबूदाना मंगाए, फिर बनाए, फिर अभी खा भी रहे हैं। इतनी देर से फोन देख रही थी मैं, लापता थी फोन, तो अब मेरी बैटरी 20% है, तो मैं खीर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये पतिदेव मेरे ब्रेकफास्ट, मतलब और ये तो जग रहे, मैं बच्चे सो गए हैं, तो ये फास्ट सो गए हैं, लेकिन एक झपके मार लिया, मेरे को भी नींद आ रहा है, बट नहीं सो। लगभग पूजा की सारी तैयारी कर दी, खीर बना के वहाँ रख भी दिए प्रसाद में, एंड केले काट। आई एम रेडी। ये देखिए मैंने जो न्यू इयरिंग चेन, बाहुबली इयरिंग चेन मंगाया था, वो लगाया ना। हिदिका को देखो, बिल्कुल उसको कुछ नहीं करना है, तो मैं उसको कुछ फोर्स नहीं करूंगी, बोल बोल के तो कपड़े चेंज कर रही है। रेडी हो जाओ अच्छे से, थोड़ा लिपस्टिक लगा लो, थोड़ा मेकअप। पूजा करने जा रहे हैं, उनसे पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी में ही जाते हैं बंधन के, बाल नहीं बांधे हैं मैंने खाली, क्योंकि मुझे ये लगाना था एंड सर में पल्लू रखूंगी, तो इसीलिए। बाकी कैसी लग रही हूँ? यहाँ पर मेरी लुखी माँ भी वेट कर रही कि अब मैं पूजा करूँ, लेकिन पतिदेव को मैं बोल दी थी कि 6 बजे पूजा करेंगे, आ जाना, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है अभी तक। कुछ नहीं बनता है, बैठो बेटा। हमारी पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, एंड मैंने पहली बार की है, मतलब ये 12 साल शादी के हो गए, उसमें मैंने पहले, ये देखिए पतिदेव का कारनामा, यहाँ आए के यहाँ आए, तो हर बार याद नहीं रहता था या भूल जाती थी, मतलब अब बाहर रहोगे तो ये सब चीजें थोड़ा याद नहीं रहता था। पिछली बार भी सोचा था, तब हम कलकत्ता से ठीक आए थे उस दिन शायद यहाँ पर, तो उस दिन भी नहीं बना था, हो गया। अरे ड्रेस नहीं है, चेंज करने के लिए हो रही हो, तो गर्मी लग रहा है ना, कितना पंखा तो चला लो। जितने भी सब कुछ उसको कर गए, जोत बत्ती जला के फूल चढ़ा के, हम लोग पचाली पढ़ते हैं, मतलब मेरे ख्याल से पचाली का मतलब 40 ही होता होगा,
बंगाली में पाचाली बोलते हैं, तो बंगाली मुझे पढ़ने नहीं आते, तो मैंने यूट्यूब में लगा लिया था पाचाली, फिर उसको हमने सुना बोले, फिर उसके बाद हो गया। बंगाली में आती नहीं होती शायद।